Once again, welcome to the Kunzai training session. And today's topic is 8D, 8 disciplines of problem solving techniques. So today we will discuss about 8D. So first of all, what is 8D? 8 discipline of problem solving. It is a methodology to find the root cause analysis. मीन्स ये कंप्लीट मेथोडोलॉजी का पैक है जिससे हमें रूट कॉज एनालिसिस करने में आसानी होती है. डिवाइस अ शॉर्ट टर्म फिक्स एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्विकली जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे भी देखते हैं कि लंबे टाइम तक या आने वाले टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम अराइज ना हो. इट इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इजी टू use. Let's see what are 8 discipline. First one is team formation, second is problem description, third is interim containment action ICA or correction, fourth one is root cause analysis, fifth is corrective action, sixth is validate corrective action, seventh is preventive action, and eighth is team recognition and awards. बारी बारी से हम एक एक डिसिप्लिन के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे इस पे. सो फर्स्ट वन इज टीम फॉर्मेशन. व्हेन, कब हमें टीम फॉर्मेशन करनी है? व्हेन देयर इज अ नॉन कंफर्मिटी प्रॉब्लम व्हिच नीड अटेंशन. जब भी हमारी प्रोसेस में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें एक टीम बनानी है. व्हाट इज नॉन कंफर्मिटी? Non fulfillment of a requirement which is statutory or regulatory, right? How? हम टीम कैसे बनाएंगे? कौन टीम है जो किसी प्रॉब्लम पे काम करेगी? It is a cross-functional team which run through data-driven approach. उन्हें डाटा के बेस पे काम करना पड़ेगा, brainstorming करनी पड़ेगी, और ऐसी टीम जो प्रॉब्लम को स्टडी कर सके और उसको ऑब्जर्व कर सके. फर्स्ट वन इज चूज अ लीडर हु नो एटी प्रोसेस. उस टीम का जो लीडर होना चाहिए ही मस्ट बी अवेयर अबाउट एटी प्रोसेस. उसको कंप्लीट एटी मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए और जो बाकी टीम रहेगी वो उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होनी चाहिए. मीन्स शॉप फ्लोर के जो लोग उस प्रॉब्लम के साथ में काम करते हैं या जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं उन्हीं में से लोग टीम में चुनने हैं. वाई हमें क्यों चुनने हैं, टीम क्यों बनानी है? ऑब्जर्वेशन पावर ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट. हर एक पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है प्रॉब्लम को देखने का वो अलग अलग होता है. इससे होता क्या है कि जब एक टीम एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बैठेगी तो बहुत सारे आइडियाज मिलके एक साथ आएंगे और जो इंटीग्रेट हो जाएंगे, कोई ना कोई क्विक सोल्यूशन और जो फुल प्रूफ सोल्यूशन है वो निकल के आएगा. टीम वर्क makes the dream work. It is a tagline. Discipline 2 is describe the problem. हमने टीम फॉर्मेशन कर ली फर्स्ट स्टेप में, अब टीम क्या करेगी? उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेगी, डिफाइन करेगी कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या. कैसे प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे? अगर हमें प्रॉब्लम का पता करना है तो इसके लिए अलग टेक्निक्स हैं. फिशबोन डायग्राम और इसी तरह डायग्राम जिससे हम क्या करते हैं, जितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या रूट कॉज, क्या क्या कॉज इफेक्ट हो सकते हैं, हम उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इन फिशबोन एनालिसिस. फिशबोन एनालिसिस के बारे में जानने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं. तो हमने पहले फिशबोन डायग्राम के ऊपर बनाया था, आप सेम लिंक उसका देख सकते हैं. नेक्स्ट इज discuss for major factor causing problem and note them. Means जो भी problems, जो भी causes, probable causes निकल के आएंगे, आपको क्या करना है? उन problem को ascending order में आपको रखना है कि कौन सी problem, कौन सा जो cause है वो सबसे ज्यादा effect problem को कर रहा है, इसकी वजह से problem सबसे ज्यादा निकल के आ रही है. पैरेटो लॉ भी मैंने अपनी पहली वीडियो में शूट किया था, पहली वीडियो में आपको बताया था. नेक्स्ट इज फाइव व्हाई. व्हाई एनालिसिस. सो फिशबोन
दिस इज प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन और प्रॉब्लम डिफाइनिंग प्रोसेस। इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन के ऊपर बात करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड करेक्शन। सो एक्शन टेकन टू एलिमिनेट रिमूवल ऑफ एनसी इमीडिएटली। प्रॉब्लम को जब हम कंटेन करते हैं, प्रॉब्लम को जब हम रोकते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उसको हम करेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑयल का ड्रम है, अगर वो फॉरक्लिफ्ट के लगने से लीक हो गया तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, उस लीकेज को स्टॉप करोगे, दैट इज करेक्शन, राइट। इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन आर टेंपरेरी, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, ये उस प्रॉब्लम को बढ़ने से रोकता है। वेरिफिकेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर साइड। अगर कोई कस्टमर के यहाँ प्रॉब्लम आई है और आपने जाके इमीडिएटली उसको करेक्ट किया है, तो कस्टमर से आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि क्या उसके बाद कोई एनसी आ रही है या नहीं आ रही है, प्रॉब्लम रुक रही है या प्रॉब्लम कंटिन्यू अभी भी चल रही है। सो थर्ड वन मैंने आपको बताया, इट इज करेक्शन और इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन। आइए थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्शन, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि सपोज कोई ड्रम लीक हो रहा है तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, उसको उसकी लीकेज को स्टॉप करोगे, सो दैट इज करेक्शन। अब उसके बाद आप देखोगे कि वो प्रॉब्लम कैसे आई, कैसे फॉरक्लिफ्ट ने ड्रम के साथ उसको हिट किया, मींस उसका रूट कॉज एनालिसिस, राइट। सो प्रोबेबल कॉज निकल के आएगा कि जो फॉरक्लिफ्ट का ड्राइवर था उसको ड्रम दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहां पे इस तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं लगी थी, कोई शाइन बोर्ड नहीं लगा था, ठीक है। तो आप करेक्टिव एक्शन क्या लोगे, आप करेक्टिव एक्शन लोगे उसको इमीडिएटली आप वहां पे कोई टैगिंग या कोई फेंसिंग लगा दोगे ताकि उसके बीच में, फॉरक्लिफ्ट के बीच में और ड्रम के बीच में कोई बैरियर बन जाए, इट इज करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, सेम प्रॉब्लम अगर कहीं दूसरी जगह भी हो सकती है, सपोज कहीं और दूसरे प्लांट में दूसरी जगह पे भी ड्रम रखे हैं, वहां भी फॉरक्लिफ्ट चलती है लेकिन अभी वहां वैसी घटना नहीं हुई है, तो आप क्या करोगे, वहां पे भी सिमिलर फेंसिंग लगाओगे ताकि प्रॉब्लम वहां पे आए ही ना। सो दैट इज प्रिवेंटिव एक्शन। मीन्स आग लग गई, आपने आग को बुझाया, इट इज अ करेक्शन। आग लगी कैसे थी, ये दोबारा ना लगे, इसको रोकने के लिए जो आपने एक्शन लिए, रूट कॉज एनालिसिस करी, दैट इज करेक्टिव एक्शन। और कहीं दूसरी जगह दोबारा इसी तरह से आग ना लगे, उसके लिए जो आप एक्शन लोगे, दैट आर प्रिवेंटिव मेजर्स। फोर्थ डिसिप्लिन इज रूट कॉज एनालिसिस। मैंने पहले ही डिस्कस किया रूट कॉज एनालिसिस के लिए आपको विस्कोन डायग्राम, पैरेटो लॉ, पैरेटो 80-20 प्रिंसिपल, और उसके बाद आपको उसकी रूट कॉज एनालिसिस वाई वाई से करनी पड़ेगी, वाई वाई एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस रिक्वायर्ड विद और विदाउट सोर्सेज, वेरिफिकेशन ऑफ रूट कॉज थ्रू डाटा, जो मैंने आपको बताया, रिव्यू प्रोसेस फ्लो चार्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द रूट कॉज। आपको देखना पड़ेगा कि जो रूट कॉज है वो पूरी प्रोसेस में कौन से स्टेज पे है, हम इसे कहां रोक सकते हैं। डिटरमाइन एस्केप पॉइंट वेयर इट कुड बी फाउंड बट इट वाज नॉट। एस्केप पॉइंट क्या है, आपकी एक प्रोसेस है जिसमें 10 स्टेजेस हैं, स्टेज 4 पे वो प्रोबेबल रूट कॉज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको उस पॉइंट को वहां पे रोक सकते थे लेकिन आप नहीं रोक पाए, दैट इज एस्केप पॉइंट। आपको वो डिटरमाइन ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पे एनसी का जो रूट कॉज है वो वहां पे पैदा हुआ। फॉर एग्जांपल, एक और मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कॉमन हमारी लाइफ का, मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, करेक्शन क्या है, स्क्रीन को फिर से लगवाना, नई स्क्रीन को लगवाना, इट इज ए करेक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन यूजिंग ए स्क्रीन प्रोटेक्टर और ए फोन केस। आप फोन के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लेते हो या कोई फोन केस यूज करते हो, इट मींस इट इज ए करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन है, करेक्टिव एक्शन इज ए परचेजिंग अ फोन केस, राइट। फिफ्थ डिसिप्लिन इज परमानेंट करेक्टिव एक्शन।
1 फॉर्मेशन ऑफ टीम, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 2 हमने बात करी के डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, डिसिप्लिन 3 हमने बात करी इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन, अभी हम बात कर रहे हैं D4 परमानेंट करेक्टिव एक्शन, इट इज अ रिमूवल ऑफ रूट कॉज, राइट, जहां भी आपको रूट कॉज मिला उसको आपने रिमूव करना है, परफॉर्म अ रिस्क असेसमेंट और FMEA, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस में नेक्स्ट स्टेप में बात करूंगा, मेक अ बैलेंस्ड चॉइस ऑफ PCA, सेलेक्ट कंट्रोल पॉइंट इंप्रूवमेंट फॉर एस्केप पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड, हाउ द FMEA इज डिजाइन मींस फंक्शन, आपको फंक्शन कौन से फंक्शन है, जैसे प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, टेक्निकल प्लान, इस तरह से पोटेंशियल फेल्यूअर मोड, कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्या-क्या फेल्यूअर हो सकते हैं, पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द फेल्यूअर, जो फेल्यूअर होगा उससे इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट पे, हमारी प्रोसेस पे क्या आएगा, सीवियरिटी आप ले सकते हैं, पोटेंशियल कॉज ऑफ फेल्यूअर ले सकते हैं, उसका रीजन क्या था, करंट प्रोसेस कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, आरपीएन नंबर, सीआर, आईटी नंबर, रिकमेंडेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टारगेट कंप्लीशन डेट, कौन रिस्पॉन्सिबल है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कंट्रोल पॉइंट है, इस तरह से FMEA का आप एक फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं अपनी प्रोसेस में, जिससे कि आप पोटेंशियल फेल्यूअर मोड को पहले ही रोक सके। नेक्स्ट इज वैलिडेट करेक्टिव एक्शन, जो आपने करेक्टिव एक्शन लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो वैलिड हैं या नहीं है, क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपर प्लानिंग इज एसेंशियल, आपको जो भी करेक्टिव एक्शन आपने डिसाइड किया है उनकी वैलिडेशन के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट प्लान शुड कंटेन, जो प्रोजेक्ट प्लान होगा उसमें क्या होना चाहिए, हाउ इट विल बी इंप्लीमेंटेड, ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, जो कंट्रोल पॉइंट है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, कहां इंप्लीमेंट होगा, कौन इसको करेगा, कौन कम्युनिकेट करेगा, और किसको ये प्रोसेस जो हम कंट्रोल कर रहे हैं ये किसको हमें कम्युनिकेट करना है, वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस पोटेंशियल थ्रू मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट करनी है, जो भी आपने परमानेंट करेक्टिव एक्शन लिए हैं उसकी मेजरमेंट करनी है थ्रू ऑडिट्स, राइट। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन 7 इज प्रिवेंटिव एक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं जो फेल्यूअर होने से पहले ही हम किसी भी प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, फाइंड सिमिलर एरिया वेयर सेम प्रोसेस इज देयर एंड री, आपको क्या देखना है, एक प्रॉब्लम कहीं हो गई, आपने उसका परमानेंट सॉल्यूशन ले लिया, लेकिन आपके सिस्टम में कोई और पैरेलल प्रोसेस ऐसी थी जहां पे ये प्रॉब्लम वहां पे आ सकती है लेकिन अभी आई नहीं है, तो आपको भी, आपको उस प्रोसेस को भी क्या करना पड़ेगा, पहले वो एरिया देखने पड़ेंगे कि वहां पे एनसी आ सकती है, नॉन कंफर्मिटी आ सकती है, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट एक टर्म होती है, जो एक्शन आपने परमानेंट करेक्टिव एक्शन आपने एक जगह पे लिए है जहां एनसी आई थी, आपको प्रिवेंटिव एक्शन दूसरी जगह भी लेने हैं जहां पे वहां एनसी का पोटेंशियल है, एनसी आ सकती है, डेवलप वर्क इंस्ट्रक्शन एंड अपडेट एसओपी, आपको वर्क इंस्ट्रक्शन या एसओपी वहां पे डेवलप करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ट्रेन एंड एजुकेट टीम विद द चेंजेस एंड स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिस, जो जो भी चेंजेस आपने करे हैं उनको नोट करके आपको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि इस तरह के हमने चेंजेस करे हैं और अब ये प्रोसेस इस तरह से चलेगी, राइट। काउंटर मेजर वेरिफिकेशन फॉर द एक्शन टेकन आफ्टर ए फेलियर, एक और टर्म आती है काउंटर मेजर वेरिफिकेशन, कि आपको जो आपने एक्शन लिए हैं परमानेंट करेक्टिव एक्शन लिए हैं उसको एक महीना, दो महीने, तीन महीने बाद, उसको एक फ्रीक्वेंसी के बाद आपको काउंटर मेजर वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव है या बाद में उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो दिस इज 7th डिसिप्लिन प्रिवेंटिव एक्शन। लास्ट वन इज टीम एंड इंडिविजुअल रिकॉग्निशन,
achieve the 80 document for future reference. 80 document मैं अगले वाली स्लाइड में शेयर करूंगा. आपको 80 डॉक्यूमेंट भरना है कंप्लीट और उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है. डॉक्यूमेंट द लेसन लर्न एंड कम्युनिकेट टू द रिलेटेड डिपार्टमेंट. जो भी आपने इस पूरी एक्टिविटी में सीखा है वो आपको कम्युनिकेट करना है रिलेटेड डिपार्टमेंट के साथ बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन विद द रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली सेलिब्रेशन विद द टीम. लास्ट स्टेप इज टीम के साथ सेलिब्रेट करना है और उनको रिकॉग्नाइज करना है. जिस भी पर्सन ने कोई मेजर रोल प्ले किया हो आप उसको अवार्ड वगैरह दे सकते हैं. सो इट इज अ 8D फॉर्मेट. कंप्लीट 8D फॉर्मेट. कैसे इसको स्टार्ट करना है. वन सप्लायर टीम मेंबर नेम. प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या थी, कहां आई, किसने रिकॉग्नाइज करी, कब हुई और ऐसा क्यों हुआ. थर्ड वन इज इनिशियल कंटेनमेंट एक्शन. करेक्शन जो मैंने बताया. सो इट इज अ 8D फॉर्मेट जो हम भर सकते हैं और इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो भी प्रोसेस किया है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसकी आ जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट 8D डिसिप्लिन ऑफ प्रॉब्लम.